लिए दोस्तों आ गए फिर से एक बार सांप को रिलीज करते समय। आज हमारे पास दो सांप है, एक भारत का चौथे नंबर पे आने वाला जहरीला सांप है, आपने इसे कम ही देखा होगा, इसे सॉस्केल्ड वाइपर नाम से जानते हैं, पुरसे है। और दूसरा हमारे पास ट्री स्नेक है, जिसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज ब्रैक ट्री स्नेक कहते हैं और मराठी में रुका। आपको दोनों सांप दिखाते हैं कैसे होते हैं कैसे रहते। पहले दिखाते हैं आपको जहरीला सांप, जिसे सॉस्केल्ड वाइपर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों सॉस्केल्ड वाइपर कहते हैं, तो मराठी में इसे फुरसे नाम से जानते हैं। इसमें हीमोटॉक्सिक नामक जहर होता है, इसने अगर काट लिया तो मांस सड़ने लगता है। ये बहुत ही छोटा होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये बढ़ सकता है इतना। और ये रसल वाइपर की फैमिली से है, बेबी वाइपर है। ये हमने रेमंड इस कंपनी से रेस्क्यू किया था। चलिए इस सांप को हम करते हैं रिलीज। आपको ऐसे छोटे मोटे सांप दिखाई दे तो उसे हाथ मत लगा करें, कोई कोई सांप खतरनाक भी हो सकता है, जैसे कि ये छोटा है पर बहुत ही खतरनाक है। तो आपके नज़दीकी सांप दिखाई दे तो नज़दीकी सर्पन मित्र को कॉल करें। इसे जाने देते। सांप हमने छोड़ दिया वहीं पे है, ज़्यादा स्पीड से भागता नहीं हो, ले जाएगा अपनी मर्जी से। दूसरा सांप है हमारे पास, ब्रॉन्ज ब्रैक ट्री स्नेक है, बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, ये नॉन वेनमस स्नेक है, इसे मराठी में रूखा नाम से जानते हैं। ये 5 से 6 फीट तक बढ़ सकता है, बहुत ही खूबसूरत सांप होता है। अगर ये गुस्सा हुआ तो इसके अंदर का जो नीला कलर है वो आपको दिखाता है, अभी बहुत शांत है, इसकी जीभ जो वो नीली कलर की रहती है। चलिए इनसे भी रिलीज करते हैं। ये सांप मैंने रेस्क्यू किया था संकेत मते ने, ये सांप इन्हें रेस्क्यू किया था संकेत मते ने, यही इसे रिलीज करेंगे, हमारी रेस्क्यू रहेगी। रिलीज है बनो को नहीं, तिरुपा थे तिरुपाठ है तिरुपा तो चलिए दोनों सांप हमने रिलीज कर दिया। मिलते हैं ऐसे किसी स्नेक रेस्क्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।